फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एक इंडियन स्टोरी द थ्री डांसिंग गॉड्स, यानी तीन नाचने वाली बकरियां। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और मज़ेदार स्टोरी है, लेकिन फिर भी इसे कार्टून स्केल्प से और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अबाउट द स्टोरी, इट इज़ एन इंडियन फोक टेल रिटन बाय एन एनोनिमस राइटर। ये स्टोरी एक भारतीय लोक कथा है जिसे किसी गुमनाम राइटर द्वारा लिखा गया है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट वन हु इज गुड एट हार्ट एंड हैज फेथ पेशेंस एंड क्लेवरनेस गेट्स अ गुड फॉर्चून सुनर और लेटर। स्टोरी की मेन थीम यह है कि जो इंसान दिल का अच्छा होता है, जिसे खुद पर विश्वास, धैर्य और चतुराई होती है, उसका भाग्य एक दिन जरूर साथ देता है। दोस्तों, एक बार स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इसमें राइटर ने तीन नाचने वाली बकरियों के बारे में बताया है, जो कि एक गरीब किसान सिंधु के भाग्य को बदल देती हैं। ये बकरियां किस तरह उसकी किस्मत बदलती हैं, यही सब इस स्टोरी में बताया गया है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत होती है एक गुरु बाबा ट्रिंकोस हैं, जो कि बच्चों के एक ग्रुप को ये स्टोरी सुना रहे हैं। ये फर्श पर बैठ जाते हैं और थ्री डांसिंग गॉड्स की स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है सिंधु, जो कि एक जवान गरीब किसान है। ये अपनी मदर के साथ गांव में एक बांस की झोपड़ी में रहता है। ये बहुत ईमानदार, जिम्मेदार और मेहनती इंसान है। इसके पास ज़्यादा कुछ नहीं, केवल थोड़ी सी जमीन है और दो गायें हैं, जिनसे सिंधु बहुत प्यार करता है और इनकी अच्छे से देखभाल करता है। लेकिन दुर्भाग्य से गांव में सूखा पड़ गया, जिस वजह से सिंधु की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इसलिए इसकी मदर ने इन दोनों गायों को बाजार में सही कीमत पर बेचने के लिए सिंधु को भेजा, ताकि इससे जो पैसे आएंगे उनसे वे अपना राशन खरीद सकें। सिंधु उन गायों को बेचना तो नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें बेचने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उनके पास उन गायों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपने इन दोनों गायों को बेचने के लिए तैयार हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इन दोनों गायों को एक कसाई को बेचने की बजाय किसी देखभाल करने वाले व्यक्ति को बेचेगा, भले ही उसे पैसे कम मिलें। रास्ते में सिंधु की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है, जिसके पास तीन नाचने वाली बकरियां थी। सिंधु को दुखी देखकर वो बूढ़ी औरत उससे बातचीत करना शुरू करती है और फिर सिंधु उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है कि वो गायों को क्यों बेचना चाहता है। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम मेरी ये तीनों बकरियां अपने पास रख लो और मुझे ये दोनों गायें दे दो, मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। लेकिन सिंधु मना कर देता है, क्योंकि इन बकरियों से उसे खाना नहीं मिल सकता था जिसकी उसे ज़रूरत थी। वो बूढ़ी औरत उसे विश्वास दिलाते हैं कि ये तीनों बकरियां एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदल देगी और वो अमीर बन जाएगा। इसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने फ्लूट निकालती हैं और उसे बजाना शुरू करती हैं, जिसकी ट्यून पर ये तीनों बकरियां डांस करने लगती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा था। यह देखकर सिंधु भी इन तीनों बकरियों से अट्रैक्ट होता है और उस औरत से वे तीनों बकरियां और फ्लूट खरीद लेता है और अपनी गायें उसे दे देता है और फिर घर आ जाता है। घर पहुंचने पर उसकी मदर यह देखकर दुखी होती हैं और सोचती हैं कि किसी औरत ने सिंधु को पागल बनाया है और उसके साथ धोखा किया है। लेकिन सिंधु को अभी भी उस बूढ़ी औरत पर पूरा भरोसा था कि ये बकरियां एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। सिंधु अभी इन बकरियों का डांस पब्लिक में दिखाने लगा और जल्दी बकरियां पूरे गांव में फेमस हो गई। जैसे ही गांव के लैंडलॉर्ड की बेटी को इन बकरियों के बारे में पता चलता है, तो वे इनमें से एक बकरी खरीदने की कोशिश करती हैं। सिंधु एक बकरी बेचने के बदले में उसके सामने ये शर्त रखता है कि वो एक बैरल खाना लेकर उसके घर जाएं। लैंडलॉर्ड की बेटी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हैं और एक बैरल फूड लेकर उसके घर जाती हैं। सिंधु और उसकी मदर खुशी से उसका स्वागत करते हैं और एक बकरी उसे दे देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी वो बकरी डांस नहीं करती हैं। तब गांव का एक भविष्यवक्ता उसे बताता है कि ये बकरी अकेले डांस नहीं करेगी, इसे अपना पार्टनर चाहिए, तब ये डांस करेगी। फिर वो सिंधु को अपने घर बुलाती हैं। सिंधु उसके घर पहुंचता है और उसकी प्रॉब्लम सुनता है। ये उसकी खूबसूरती देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। लैंडलॉर्ड की बेटी उससे दूसरी बकरी खरीदने की रिक्वेस्ट करती हैं। सिंधु अपनी दूसरी बकरी को इस शर्त पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है कि इस बार वो उसे एक बैरल फूड के साथ अपने सोने की रिंग भी देगी। लैंडलॉर्ड की बेटी दूसरी बकरी भी खरीद लेती हैं। सिंधु के घर पहुँचने से पहले एक बैरल फूड उसके घर पहुँच जाता है।
कुछ दिनों बाद लैंडलॉर्ड की बेटी की नौकरानी सिंधु के घर आती हैं और उसे बताती हैं कि लैंडलॉर्ड की बेटी दुखी हैं क्योंकि वे बकरियां अभी भी डांस नहीं कर रही हैं। यह सुनकर सिंधु उससे मिलने जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि अब ये बकरियां जरूर डांस करेगी। फिर वो अपनी फ्लूट निकालता है और एक शानदार ट्यून प्ले करता है जिसे सुनकर बकरियाँ डांस करने लगती हैं। लैंडलॉर्ड की बेटी बकरियों को नाचते हुए देखकर खुश हो जाती हैं और सोचते हैं कि ये तो फ्लूट का जादू है जिसने बकरियों को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। ये सिंधु की तीसरी बकरी और उस फ्लूट को खरीदने की डिमांड करती हैं। सिंधु इस बार भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इस बार भी वो कुछ बड़ा मांगने की बजाय केवल उसकी सोने के रिंग में लगे 3 स्टोन्स का सीक्रेट पूछता है और 1 बैरल फूड की डिमांड करता है। लैंडलॉर्ड की बेटी सिंधु को अपने रिंग में लगी 3 स्टोन्स का सीक्रेट तो नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उसे वो तीसरी बकरी और वो फ्लूट चाहिए थी, इसलिए वो सीक्रेट बता देती हैं। वो सिंधु को बताते हैं कि मेरी सोने की रिंग में 3 डिफरेंट कलर के स्टोन्स हैं जो कि मेरे बालों की लटों के कलर के हैं। इनमें से 1 स्टोन प्योर वाइट है, हीरे के कलर जैसा, 1 है डार्क रेड जो कि रूबी जैसा है, और 3रा है ब्राइट ग्रीन जिसका कलर है एमराल्ड जैसा। इन तीनों कलर की मेरे बालों की लटें हैं जो कि मेरे रेशमी बालों के पीछे छुपी हुई हैं। यही सीक्रेट है मेरी गोल्ड की रिंग में लगे स्टोन्स का। यह सीक्रेट जानने के बाद सिंधु अपनी वो बकरी और फ्लूट लैंडलॉर्ड की बेटी को दे देता है और खुशी खुशी घर लौट आता है। सिंधु को खाली हाथ देखकर उसकी मदर परेशान हो जाती हैं क्योंकि अभी तक इनका गुजारा उन दोनों बकरियों के बदले में मिले फूड बैरल से हो रहा था जो कि लैंडलॉर्ड की बेटी ने दिए थे, लेकिन अब तो इनके पास कोई बकरी भी नहीं बची है जिसे बेचकर ये वापस फूड बैरल प्राप्त कर सकें। अब इनके पास आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं बचा था, इसलिए सिंधु की मदर दुखी हो रही थी। लेकिन सिंधु को अभी भी उस बूढ़ी औरत की बातों पर पूरा भरोसा था कि एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। कुछ दिनों बाद लैंडलॉर्ड अपनी बेटी की शादी करवाने का डिसीजन लेता है और अपने कुछ पसंदीदा दूल्हों को इनवाइट करता है जो कि उसकी बेटी से शादी करना चाहते थे। लैंडलॉर्ड अनाउंस करता है कि जो कोई भी मेरी बेटी के काले बालों के पीछे छिपे हुए 3 लटों के कलर बताएगा उसी से इसकी शादी होगी। देश भर से कई लवर्स आते हैं लेकिन कोई भी उसकी लटों का कलर नहीं बता पाता। जब शादी की बात सिंधु को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और एक गरीब किसान होने पर अपने जीवन को कोसने लगता है। वो ये सोचकर लैंडलॉर्ड की बेटी से शादी करने का विचार छोड़ देता है कि लड़की खुद किसी गरीब किसान की वाइफ नहीं बनना चाहेगी। लेकिन एक दिन जब वो 3 बकरियों का डांस देख रहा होता है तो उसके विचार फिर से बदल जाते हैं और उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आ जाती है कि एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। फिर एक दिन उसे एक अच्छे कपड़े पहने हुए एक हैंडसम आदमी मिलता है जो कि किसी दूसरे शहर से लैंडलॉर्ड की बेटी से शादी करने के लिए आया था। वो लैंडलॉर्ड का घर ढूंढ रहा था। सिंधु उस आदमी को लैंडलॉर्ड के घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब दोनों लैंडलॉर्ड के घर जा रहे होते हैं तब सिंधु उस आदमी से कहता है कि यदि मैं एक गरीब किसान नहीं होता तो लैंडलॉर्ड की बेटी से जरूर शादी कर लेता क्योंकि मैं उसके बालों की लटों का कलर जानता हूँ, मुझे ये सीक्रेट पता है जो कि किसी को नहीं पता है। वो आदमी सिंधु की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे इनाम का लालच देकर वो सीक्रेट पूछता है, लेकिन सिंधु उसे बताने से मना कर देता है। वो आदमी सिंधु को अपने नौकर के रूप में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सिंधु अपना हुलिया बदलता है और सिंधु सुंदर कपड़े और रेशम की पगड़ी पहनता है जो कि उस आदमी ने उसे दिए थे। फाइनली ये दोनों लैंडलॉर्ड के घर पहुँचते हैं। उनका घर पहले से ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। वहाँ कई लोग आए हुए थे जो कि लैंडलॉर्ड की बेटी के बालों की लटों का अनुमान लगा रहे थे। लैंडलॉर्ड और उसकी बेटी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। जब उन सभी लोगों में से कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता है तो सिंधु भीड़ में से अचानक खड़ा होता है और तेज आवाज में उसकी बेटी के बालों की लटों का सीक्रेट सबको बता देता है। लैंडलॉर्ड उसका जवाब सुनकर खुश होता है और कहता है कि उसका जवाब एकदम सही है। इसके बाद सिंधु अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। लैंडलॉर्ड भी एक गरीब किसान को अपने दामाद के रूप में पाकर दुखी होता है। वह शांति से सिंधु से पूछताछ करता है। सिंधु लैंडलॉर्ड को पूरी कहानी बता देता है कि कैसे उसे बालों के लटों के पीछे का सीक्रेट पता चला। उसकी बात सुनने के बाद लैंडलॉर्ड कहता है कि क्योंकि मेरी बेटी ने उसे अपने बालों का सीक्रेट बताया है इसलिए वही सिंधु की वाइफ बनेगी। वहां पर मौजूद सभी लोग इसे भाग्य की गलती कहते हैं, लेकिन सिंधु उनसे कहता है कि ये भाग्य की गलती नहीं है बल्कि विश्वास, प्यार और धैर्य की जीत है।
तो दोस्तों इन्हीं फाइनल लाइंस के साथ स्टोरी द थ्री डांसिंग गॉड्स कंप्लीट होती है। और कैसी लगी है आपको ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।